हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमने लाया है आपके लिए फिर कुछ नया। दोस्तों आज की जो वीडियो में लाया हूँ ये एक BM 800 कंडेंसर बाइक है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह की वीडियो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इस वीडियो को। तो हम ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये मैक्सिम कंपनी का स्टूडियो माइक्रोफोन है और BM 800 मॉडल नंबर है। और ये पेंटम पावर है S-Star कंपनी का और 48 वोल्टेज का है। तो ये ज़रूरी होता है कंडेंसर माइक के लिए क्योंकि हमारा ये कंडेंसर माइक है। तो चलिए अब मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें क्या क्या निकलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये फ़िल्टर पॉप है जो काफ़ी अच्छा और फ्लेक्सिबल है। कहीं पे भी आप टर्न कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद देखिए ये हमारा जो एक्सेलर 2-3.5 जैक है जो माइक से कनेक्ट होगा, जो हमारे PC से कनेक्ट होगा। तो ये 1.5-2 मीटर का वायर है। और उसके बाद ये जो है हमारा साउंड कार्ट है, इसमें माइक यहाँ लगाना है। ये जैक यहाँ लगेगा 3.5 का माइक की जगह पे, और वहाँ पे एयरफोन, ये USB लगेगा PC से, या हम कंप्यूटर से इसको अटैच करना पड़ेगा। साउंड कार्ड भी ज़रूरी है। अब उसके बाद ये पॉप है स्पंज का, और ये इसका जो होल्डर स्टैंड है जो हम कहीं भी वॉल पे या कोई भी टेबल वगैरह पे हम लगाएंगे, तो इसकी वीडियो में बताऊंगा आपको आगे। तो ये काफ़ी ये भी अच्छा है। उसके बाद ये एक फ्लोर स्टैंड का ऊपर का माउंट है जो हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है लेकिन साथ में मिला है, तो ये भी अच्छा है, प्लास्टिक का है। अब इसके बाद ये जो हमारा मेन है, जो ये स्टैंड है हमारा माइक का, जो फ्लेक्सिबल टाइप बनाया है, मतलब छोटा बड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से फोल्ड सिस्टम है, और ये हमारा काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, मज़बूत भी है। और ये हमारा माइक माउंट है, माइक का होल्डर है जो भी इसको कहते हैं, इसके अंदर हमारा माइक लगेगा, ये भी प्लास्टिक का है। और उसके बाद ये जो हमारा मेन आइटम है, ये जो हमारा कंडेंसर माइक जो BM 800 मैक्सिम कंपनी का, और काफ़ी अच्छा है, मेटल का बना हुआ है, ठीक ठाक है, BM 800 कंडेंसर माइक। तो ये सब चीज़ें देखो, ये ए होल्डर में इस तरह से अटैच हो जाता है और काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप अप डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ही, ये स्टैंड हो गया हमारा, ये इसका होल्डर स्टैंड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ये फ्लोर स्टैंड का जो माउंट है वो है, ये हमारा एक्सेलर वायर है जो 3.5 और कंप्यूटर से अटैच होगा, ये स्पंच माउंट है। अब ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हमने सेट में हमको ये सब मिला है, तो ठीक ठाक है, यूज़ कर रहा हूँ। आप भी, अगर आपका बजट कम है तो आप भी ले सकते हैं, मैं 3,000 रुपये में लिया हूँ। और ये हमारा फैंटम पावर है जो 48 वोल्ट देता है कंडेंसर माइक को, जो S-Star कंपनी का है, और मेल फीमेल दो कनेक्ट है इसके अंदर। और एडेप्टर लगेगा हमारा ये 18 वोल्ट का जो इसको पावर सप्लाई देगा हमारे पावर फंटम को, ये इस तरह से देखिए यहाँ लगाना है, यहाँ लगाएंगे इसको पावर मिलेगा, आगे स्विच है, ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं सब। और ये एक्सेलर वायर मैंने जो लिया है ये अलग से मुझे लेना पड़ा, ये सेट में नहीं आया, मेल फीमेल है जो हमारे माइक से कनेक्ट होगा। ये 2 मीटर का है, ये 200 रुपये का मुझे मिला, इसको अलग से लेना पड़ा है मुझे। तो ये देखिए हमारा माइक में जो है मेल है, मेल कनेक्टर लगा हुआ है, और हमारा जो ये एक्सेलर है ये फीमेल जो रहेगा, ये हम इसको जो मोनोग्राम है हमारा जो आगे का लोगो है, और ये खाँचा बना हुआ है, बस इधर ही आपको स्ट्रेट रख के इसको पुश करना है, ये लॉक हो जाता है, और इसको पुश करके आप खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाता है। तो काफ़ी इजी है इंस्टॉल करना, कोई मुश्किल नहीं है, और इस तरह लग जाता है। ये देखिए हमने एक्सेलर लगा दिया है, अभी हमारा ये एक्सेलर का जो दूसरा छेड़ा है जो मेल है वो हमारा यहाँ लगेगा, इनपुट में लगेगा, ये इसको भी लगाएं, इस तरह से लॉक कर दें, ये हमारा माइक कनेक्ट हो गया। और इसको अगर निकालना है हमको तो यहाँ पे एक बटन है, इसको अंदर पुश करना है, देखिए इस तरह अंदर पुश करें, इसको बाहर खींचे ये निकल जाएगा, और इस तरह लगा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो हमारा एडेप्टर लग गया, हमारा एक्सेलर का माइक से कनेक्ट हो गया। अभी हमारा ये एक्सेलर जो वायर है
ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसको भी इस तरह ऊपर स्ट्रेट रख के हम इसको पुश कर देंगे, ये लॉक हो जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से लॉक हो जाता है। और निकालना है तो उसको हम पुश करेंगे, इस तरह पुश करेंगे और इसको खींचेंगे, ये निकल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और इस तरह मैंने लगा दिया है इसको। अब ये जो हमारा जो है ये साउंड कार्ड में जाएगा, जहाँ माइक का जो लोगो बना है, हमको उस जगह पे अपना 3.5 का जैक लगा देना है इस तरह से। ये साउंड कार्ड है हमारा वाइट कलर का, और उस तरफ जो यूएसबी है ये हमारा कंप्यूटर या पीसी में लग जाएगा, और इसी तरह से ये अटैच हो जाएगा। तो ये साउंड कार्ड सब साथ में मुझे मिला है पेंटम पावर के साथ, मैं 3000 में लिया हूँ। और जहाँ माइक का है वहीं लगाना है, सेकंड जगह पे हमको हेडफोन या हमारा स्पीकर लगाना है। ये पावर सप्लाई में लगेगा ये फैंटम पावर का, और इसी यहीं पे ये लगेगा। देखिए एसी डीसी लिखा हुआ है, यहीं पे हमको लगाना है। ये माइक कंप्यूटर में जाएगा, ये माइक में जाएगा, तो इस तरह पुश करें और निकाल लें। काफ़ी अच्छा, काफ़ी ईजी है, ठीक ठाक है, तो इसको हम आगे भी चेक करेंगे। और ये जो हमारे हमेशा सामने रखना है जो लोगो है, क्योंकि हमारा माइक सामने ही है, तो लोगों का जो मुंह हमारे फ्रंट साइड होना चाहिए हमारे माउथ के साइड, ताकि हमारी आवाज़ इस तक पहुंचे, क्योंकि लोगो जो है हमारा कंपनी का वही हमारा फ्रंट साइड होगा। तो इस तरह ये निकाल दिया मैंने, ये 200 रुपये का ख़रीदा है मैंने जैक, और ये माइक भी काफ़ी अच्छा है। इस पर चाहिए सब लगा के भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ठीक ठाक है। मेटल का बॉडी है इसका, सब मैंने आपको सब बता दिया है। अब ये जो हमारा होल्डर, देखिए मैं जो पहले बताया था आपको, ये होल्डर जो हमारा है, कोई भी हमारे ड्रॉ वगैरह के कहीं पे भी जिस तरह लगाया जाएगा, देखिए ये इस तरह से हल्का हल्का इसको टाइट करना है, ज़्यादा भी ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि ये इतना भी वो नहीं है, मेटल का है, लेकिन हल्की सी ताकत लगा के इसको हमको टाइट करना है। उसके बाद ये हमारा स्टैंड, इसके ऊपर के नॉप में एक आगे स्क्रू लगा हुआ, इसको ढीला करके डाल के इसको धीरे से हल्का टाइट कर देना है। और ये हमारा देखिए फ्लेक्सिबल टाइप बन गया, ये माउंट का हमारा ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इस पर हमारा माइक माउंट आएगा। देखिए आगे पीछे कम ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब एक फ्लेक्सिबल टाइप बनाया है कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। और अब हम इसको आपको माउंट भी लगा के दिखा देंगे कि किस तरह से इसमें माउंट लगता है, किस तरह से इस पर स्पीकर हमारा माइक लगेगा। तो ये देखिए ये माइक माउंट है, माइक होल्डर भी कह सकते हैं। तो ये इसको प्लास्टिक ट्रेड है ये, तो धीरे धीरे इसको सही से रख के इसको ट्रेड को हमको चढ़ा देना है, और ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये सब प्लास्टिक आइटम है, तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ताकत लगेगी तो टूट भी सकता है। ये देखिए मैंने टाइट कर दिया है, अब ये टाइट हो गया है, लेकिन इसको पीछे का हमको ना टाइट करना पड़ेगा ताकि ये अपनी जगह पे रुक जाए, और ये रुक गया, मैंने इसको टाइट कर दिया। ये देखिए मैंने अप डाउन कर सकते हैं इससे, और अब इसके अंदर हमारा जो है वो माइक बड़ी आसानी से चला जाएगा। तो कभी भी ये देखिए ये अपना जो लोगो है ये आपको फ्रंट साइड रखना है, यानी अपने फेस की तरफ रखना है, ताकि बड़ी आसानी से जो है वो आपकी आवाज़ इसके अंदर कैप्चर कर सके। तो देखिए मैंने एकदम फ्रंट साइड में रखा है इस लोगो को, जो BM800 लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये हमारे फेस टू फेस सामने होना चाहिए। ये भी लगा लेता हूँ मैं इस पंच आपको दिखाने के लिए, और ये ऊपर देखिए मैंने आगे कर लिया, जिस तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक अप डाउन लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। ठीक, अब ये माइक लग गया है, अभी मैं आपको एक्सेलर वायर भी लगा देता हूँ, ये मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको। फिल्टर पॉप मैं भी आपको आगे से भी आप लगा सकते हो, पीछे के स्टैंड से भी लगा सकते हो। तो मैं ये जैक लगाता हूँ, पहले एक्सेलर का वायर लगा लेता हूँ केबल। ये देखिए ये फ्रंट सेट मैंने रखा, इसका नॉब मेरे आगे ही, ये मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। अब इसी के ऊपर मैं अपना एक्सेलर का जो हमारा कपलर है, मैं उसके ऊपर ये फिल्टर पॉप को लगा दूंगा। मैं पीछे से भी लगा सकता हूँ, स्टैंड से भी, तो आपकी जैसी मर्ज़ी, आपको जैसा अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। मैंने भी आपको बताने के लिए आगे से लगा के बता रहा हूँ, वरना स्टैंड से भी काफ़ी अच्छा बैठता है ये। देखिए हमारा फिल्टर पॉप बैठ गया है, ये आवाज़ को ज़रा क्लियरिटी देता है, प भा शा जो आवाज़ हमारी निकलती है उसको क्लियर आउटपुट देता है। तो ये देखो काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी हर तरीके से हमारे काम आने वाली चीज़ है। हम हटा के भी बात कर सकते हैं, फ़िल्टर पॉप लगा के भी बात कर सकते हैं। तो ये अभी रेडी हो चुका है हमारी वॉइस के लिए, और हमेशा जो है वो अपना मोनोग्राम, जो अपना कंपनी का जो लोगो है, वो आपको आपके सामने रखना होगा, क्योंकि माइक इधर ही होता है। अगर आप उल्टा माइक लगाओगे तो आवाज़ कैप्चर बराबर नहीं हो पाएगी।
और देखिए ये मैं ऊपर नीचे भी एडजस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ हर तरीके से कि फ़िल्टर पॉप कैसे लग सकता है, माइक कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेटर है, मैंने 3,000 रुपये में ख़रीदा है इसको फैंटम पावर के साथ और पूरे किट के साथ। सिर्फ एक्सेलर जो मेल फीमेल है मुझे अलग से 200 रुपये का ख़रीदना पड़ा। तो ये देखिए ये मैं निकाल देता हूँ, फ़िल्टर पॉप मैंने निकाल दिया है और ये जैक भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक्सेलर का जो माइक से लगा है। हमने दबाया और इसको खींचा, ये निकल गया। ये पुश करेंगे तो निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। ये देखिए लगा दिए मैंने, अब ये मैंने पुश किया और इसको खींच लिया, बड़ी आसानी से निकल जाता है ये एक्सेलर वायर जिसे कहते हैं, मेल फीमेल है ये। और ये BM800 हमारा कंडेंसर माइक है, काफ़ी अच्छा है। देखिए मेटल का बना हुआ है, गोल्डन कलर का स्पंज वगैरह भी इस पर दिया हुआ गया है वॉइस के लिए, तो हर तरीके से बेटर है। ठीक है दोस्त, तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि ये माइक कितना बेटर है, एक न्यू यूट्यूबर के लिए ठीक ठाक है। मैंने इसको 3,000 रुपये में परचेज़ किया है, ऑफलाइन से मैंने लिया है। और इस कंडेंसर BM800 कंडेंसर माइक के साथ मुझे स्टैंड मिला है, फिल्टर पॉप मिला है, और मैंने फैंटम पावर के साथ पूरा सेट ख़रीदा है 3,000 रुपये में। तो एक नए यूट्यूबर के लिए भी ये ज़रूरी है, तो आपका भी अगर बजट है तो आप भी ख़रीद सकते हैं। और ठीक ठाक है, इसकी वॉइस वगैरह भी ठीक ठाक है, मैंने चेक किया है। ये रिकॉर्डिंग भी मैं इसी से कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नए काम के साथ, किसी नए वर्क के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय।